कि अगर कहा जाए ना कि अल्लाह के घर के लिए कुछ दो, हम बड़े सोच कर जेब में हाथ डालते हैं, 10 वाला नोट निकला है वही बहुत बड़ा है, छोटे से छोटा नोट हम तलाश करते हैं, सोचते हैं अल्लाह की बारगाह में देने के लिए, हम सोचते हैं, लेकिन हमारी आज के इस दौर के हमारे शादी के प्रोग्राम में तो हम, मैं, आप सारे जानते हैं, हम पता नहीं कौन से इस्लाम की बात करते हैं, हम पता नहीं कौन से दीन की बात करते हैं, जो दीन के उसूल और जवाबत सिर्फ हमें मस्जिद में नजर आते हैं, मस्जिद से बाहर हमें उनकी जरूरत ही नहीं है। बस मस्जिद के अंदर जनाब तूने जनाब कलमा क्यों ऊंचा पढ़ा, या तूने क्यों नहीं पढ़ा, यार ये तो फलां बंदा है जो सलात पढ़ता है, और ये फलां बंदा है जो नहीं पढ़ता, ये इमाम कैसा इमाम है जो नमाज के वक्त अपने घुटनों के टखनों के ऊपर से शलवार नहीं उठाता, इसकी शलवार टखनों के नीचे गिरी होती है, ये कैसा इमाम है। ताबो तशरी के तीर और उंगलियां हम एक दूसरे के ऊपर उठाते रहते हैं, वो भी मस्जिद में, और जब मस्जिद से बाहर जाते हैं बस शरीयत का वो जो हमने एक मुजस्मा अपने ऊपर, वो एक लिबास जो हमने जेब में तंग किया होता है उसको हम उतार फेंकते हैं, वो हमें बाहर नजर नहीं आता, नाई की दुकान पे भी हमें नजर नहीं आता, हमें घर में भी नजर नहीं आता, हमें बाजार में भी नजर नहीं आता, वो उसूल, वो कवायद, वो जवाबत जो हमने एक बंदे मुसलमान, एक आम बंदे मोमिन के लिए हमने खुद घर लिए होते हैं, फी मालफा का हूं अल्लाह की बारगाह में देने की बारी आए, हम छोटे से छोटा नोट तलाश करते हैं कि वो अल्लाह की बारगाह में दिया जाए, अगर दे दे तो उसका इजहार करते हैं, हमने ये चीज मस्जिद की खरीद कर दी, हमने इस चीज के लिए चंदा जमा किया और हमने ये मस्जिद को जनाब रोशन किया, हमने इस चीज के लिए पैसे लगाए, हम इस बात का खुलम खुला ऐलान करते हैं, गोया कि हमने अल्लाह के घर के ऊपर भी एहसान किया। हाँ, हमारी इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई आमेजश नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, लेकिन हमारे वो प्रोग्राम हो तो उनमें हम स्पेशल किस्म की कंजरियां लेके आते हैं, स्पेशल बुक करते हैं, लाखों का रुपया खर्च करते हैं, और फिर उनके ऊपर जनाब हमारी औलादें बरबला वो पैसे को उड़ा रही होती है, हमें पता भी नहीं होता कि 10 वाला जा रहा है, 100 वाला जा रहा है, 1000 वाला जा रहा है, कितने वाला जा रहा है, हमें इस चीज का पता ही नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो रिस्क तुमने कमाया, जहां से भी कमाया उसके मुतालिक भी पूछा जाएगा, वफी मान फाता हूं, और जहां पे खर्च किया उसके मुतालिक भी पूछा जाएगा।